इस आंदोलन को और ब्रॉडन किया जा सकता था कि इसी कोरोना टाइम में जो और भी जो बिल आए हैं, खास तौर पे मजदूरों के खिलाफ जो बिल आया है, और वो बिल भी मजदूरों की तबाही का बिल है। किसान, मजदूर, दलित, माइनॉरिटी, महिलाएं, ठीक है, इन सबकी पार्टिसिपेशन जो बढ़ भी रही है धीरे धीरे, एक तो इसका बड़ा आंदोलन जाएगा। इसका एक दूसरा पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोदी सरकार अभी तक दमन कर करके जो आई है, उसके लिए दमन करना भी इतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में मैंने 3-4 बड़े किसान आंदोलन जो देखे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत का एक बार बोट क्लब में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, वो संख्या में चाहे जो भी था, ये भी संख्या में उससे कम नहीं है, लेकिन इसकी बहुत सारे डायनेमिक्स हैं जो मैं समझता हूँ उस आंदोलन से बहुत अलग है। पहली बार लगभग 40-42 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ किसी एक मुद्दे पर एक साथ इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतना डिसिप्लिन मूवमेंट मैंने इससे पहले नहीं देखा। तीसरी बात, हर व्यक्ति को हर चीज़ यहाँ पे मुहैया है। मतलब जो किसानों के बारे में कहा जाता है कि इस देश को या दुनिया को खिलाने वाले लोग जो किसान हैं, तो ये कम से कम ये मूवमेंट दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि इनको किसी चीज़ का यहाँ पर अभाव है। मतलब अनुशासन के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर, और इतने उत्साह का जो चीज़ जो मैं देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये बहुत अलग है। जहाँ तक सरकार के रवैये की बात है, ये मोदी की सरकार जब से आई है, किसी किस्म का चैलेंज इसको अभी तक तो देखने को मिला नहीं पिछले 6-6.5 साल में, ठीक है। तो एक किस्म की आत्ममुग्धता, जो नार्सिसिज्म जो बोलते हैं, इस सरकार के अंदर हम पिछले 6-6.5 साल से देख रहे हैं। कम से कम इस आंदोलन ने उनकी एक हद तक नींद तो उड़ाई है, ठीक है। कृषि मंत्री का बार बार बैठना और बार बार इनको किसी न किसी भाषा से बुलाना, अमित शाह का इनके साथ एक बार मिलना, ये और बात है कि वो हमेशा ही जनता के साथ धोखा करना और कॉरपोरेट की सेवा करने के, जो उनका असली जो उनका काम है, उसमें ये कुछ ना कुछ धोखा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ इस आंदोलन को जो एक साल जो हो गया है, और जोश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे मैं कुछ साथियों से यहाँ बात कर रहा था कि आप लोगों को एक महीना होने जा रहा है, निराशा तो हो रही होगी कि एक महीने से हमारी बात सुनी नहीं गई। बोले, आप निराशा का आलम यही देख लीजिए कि हर दिन कुछ हज़ार लोग बढ़ रहे हैं। जैसे आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि 30,000 लोग जो है वो कल यहाँ पर पहुँचने की बात थी, एक ही इलाके से 15,000 लोगों को आने की बात थी। तो मैं सोचता हूँ ये किसी भी आंदोलन के लिए इससे बड़े जोश की और इससे बड़े उत्साह की बात नहीं हो सकती कि एक महीने के आंदोलन के बाद भी लोग लगातार इसके साथ जुड़ रहे हैं। जहाँ तक है सरकार की बात, इस सरकार से मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि वो कोई सचमुच किसानों के बारे में कुछ करना चाहती है। मोदी कह रहे हैं कि ये तो किसानों के भले के लिए है, ठीक है, और तीनों के तीनों कानून ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये किसानों की तबाही के बिल हैं ये तीनों। और उसके बाद उसके साथ जो दो बातें हैं कि सब्सिडी जो है बिजली की नहीं मिलेगी, और ये पराली जो जलाएंगे और उसमें 1-1 करोड़ का इनको जुर्माना होगा, ये सब किसानों के खिलाफ है। एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण मैं इस आंदोलन में देखता हूँ, जो मैंने कम से कम पहली बार सुना, कि ये 4 जून को जब ये बिल आया है और 11 जून को ये सारे संगठन बैठकर मीटिंगें करना और प्लान करना जब शुरू किए हैं, तो मैंने जो इन्हीं लोगों के तरफ से जो सुना है मैंने, कि ये 3 महीना पहले इन्होंने जो वर्कशॉप किया, इसमें इन्होंने नौजवान लड़के लड़कियां जो किसान परिवार से जो हैं, उनके जो इन्होंने वर्कशॉप करने के बाद एक एक बिल की जो डिटेल्स में ये लोग गए हैं, एक एक बिल की बारीकियों को जो इन्होंने समझा है, और उसके बाद पंजाब के किसान गांव-गांव में जाकर जो इन्होंने इस आंदोलन का स्वरूप जो आज हमारे सामने है जो तैयार किया है, मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। हर आने वाले किसी भी आंदोलन के लिए ये एक मैं एक शिक्षा इसमें से लेना चाहता हूँ, कोई भी बड़ा आंदोलन प्लान करने से पहले अपने कार्यकर्ताओं का, अपनी जनता का एक वर्कशॉप और उस किस्म का करना बहुत ज़रूरी होता है। जो किस रूप में इस आंदोलन में दिख रहा है कि मोदी और सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जो भी सरकार हो, जिन कॉरपोरेट शक्तियों की सेवा करने के लिए है, उन कॉरपोरेट्स लोगों को डायरेक्ट टारगेट जो किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ जनता की ये चेतना अगर इस हद तक पहुँची है कि वो सीधा अंबानी और अडानी का नाम लेके बोल रहे हैं कि वो हमारे असली दुश्मन हैं, मोदी तो उनकी सेवा कर रहा है, ठीक है, मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोग डायरेक्टली उसको देख रहे हैं। ये आगे किसी भी आंदोलन में हमारे लिए भी एक बात होगी कि हम इन चीज़ों का आंदोलन करें। इस आंदोलन को और ब्रॉडन किया जा सकता था कि इसी कोरोना टाइम में जो और भी जो बिल आए हैं, खास तौर पे मजदूरों के खिलाफ जो बिल आया है, और वो बिल भी मजदूरों की तबाही का बिल है,
हैं, और ये अगर जबकि पंजाब में मजदूर किसान कई मौक़ों पर कई क्षेत्रों में वो एक साथ दिख रहे हैं, तो वो नहीं दिखा है मुझे अभी तक इसमें। मैंने ज़रूर मज़दूर भी शामिल हुए हैं इसमें, ख़ास तौर पे खेती से जुड़े हुए जो मज़दूर हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो खेतीहर मज़दूर हैं, वो जुड़े हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं। मैं सोचता हूँ किसान संगठन, क्योंकि किसान आंदोलन क्योंकि बड़ा है, इसकी ये ड्यूटी बनती थी कि उन मज़दूर आंदोलन संगठनों को, उन मज़दूर आंदोलनों के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बात करके वो इसको इसमें शामिल कर पाते तो होता। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पक्ष भी बोलना चाहता हूँ, मजदूर वर्ग को ही हर आंदोलन का नेतृत्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका ही लक्ष्य जो है वो बहुत क्लियर है कि वो किस किस्म का समाज बनाना चाहता है। तो उनके तरफ से भी ये पहलकदमी आनी चाहिए, आ रही है, उतनी नहीं है लेकिन आनी चाहिए, और वो इस आंदोलन में ही अपने व्यापक मकसद को ध्यान में रखते हुए वो इस आंदोलन के साथ भी अगर जुड़े तो मैं सोचूंगा ये बहुत अच्छी बात है। अभी एक बात चर्चा चल रही है कि मजदूर किसानों के साथ साथ मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, जो वन अधिकार कानून ले आए हैं, इन सबको जोड़ करके इनका ये मांगों में इनको जोड़ना चाहिए, तभी तो लोग जुड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है तो। मैं सोचता हूँ ये जो 32 और अब 40 जो संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं, 475 हो गए हैं शायद कुल मिला के, भारत देश में 475 हैं यहाँ, मतलब हो सकता है आप ही ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ लीडरशिप में अभी तक जितने लोगों से मिला हूं उनके बीच में ये बात बीच-बीच में आ रही है, लेकिन बकायदा उसको रिजोल्यूशन पास करके अगर वो उसके साथ जोड़ पाए, मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूंगा मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा कि भाई इसमें समाज के जो अन्य समुदाय हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, इवन माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है, ये एक तो ये आंदोलन व्यापक हो जाएगा, ये सिर्फ किसानों का नहीं रहेगा, किसान, मजदूर, दलित, माइनॉरिटी, महिलाएं, ठीक है, इन सबकी पार्टिसिपेशन जो बढ़ भी रही है धीरे धीरे, एक तो इसका बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इसका एक दूसरा पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोदी सरकार अभी तक दमन कर करके जो आई है उसके लिए दमन करना भी इतना आसान नहीं होगा, अगर ये आंदोलन सचमुच इतना व्यापक हो जाता है, ये जरूर किसान आंदोलन के जो नेता लोग हैं और इसके जो जनता जो है उनके तरफ से भी प्रेशर जाना चाहिए अपने नेताओं पर कि इन चीज़ों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि ये अगर हम सचमुच इसको 3-4 महीने भी अगर हम खींच पाए तो ये आगे जो इनकी जो अपनी कैलकुलेशन जो है जो ये बुर्जुआ पार्टियों की, वो ये रहेगी कि भाई ये आंदोलन एक महीने में भी एक हद तक एक पुशिंग तो हुई है जो दिख रही है, जो मंत्रियों की तरफ से बार बार इनको बुलाना और अपनी तरफ से करना वो पुशिंग तो दिख रही है, लेकिन अगर ये और व्यापक हो जाएगा तो मैं एक व्यक्ति के तौर पर इसको बहुत स्वागत करूँगा और मैं इससे बड़ा खुश हूँ।